हनुमानगढ़ में नाली में सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाने अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस खेलकूद प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास शर्मा व पार्षद लड्डूराम के नेतृत्व में गुरुवार को जंक्शन सुरेशा स्थित वार्ड नंबर 41 के वार्डवासियों ने टाउन नगर परिषद कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया तथा IN सुभाष बंसल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विकास शर्मा ने बताया कि वार्ड 41 बिजली कॉलोनी के पीछे सड़क व नालियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पिछले कई वर्षों से यहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है और बरसाती मौसम होने के कारण लोगों के घरों के आगे बरसाती पानी इकट्ठा होने के कारण लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सारा दिन नालियों में बरसात का पानी इकट्ठा होने के कारण सारा दिन बदबू का आलम बना रहता है। वार्डवासियों को गंभीर बीमारियां लगने का खतरा बना रहता है। पार्षद लड्डूराम ने बताया कि वार्ड की सड़कों व नालियों का टेंडर मंजूर होने के बावजूद भी वार्ड के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए नगर परिषद द्वारा विकास कार्य नहीं करवाए जा रहे हैं। वार्डवासियों ने बताया कि हमारे द्वारा इस गंभीर समस्या को लेकर पूर्व में भी कई बार ज्ञापन सौंपे गए हैं, परंतु समस्या जस की तस है। मौके पर उपस्थित नगर परिषद IN सुभाष बंसल ने एक सप्ताह में समस्या समाधान का आश्वासन देकर वार्डवासियों को शांत किया। वार्डवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया गया तो मजबूरन वार्डवासियों को नगर परिषद कार्यालय के तालाबंदी कर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। प्रदर्शन करने वालों में बावरी समाज के प्रधान राम कुमार मंगल, वजीर पूर्णचंद, हरिराम, रामू, राजेश, डॉक्टर रतन टल्ली, कवाड़िया, बिंदर करली, हलवाई, पठानी देवी, रानी देवी, काली देवी, कृष्णा देवी, सुरवंती देवी सहित भारी संख्या में वार्डवासी मौजूद थे। राजस्थान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रिपोर्ट एक्सक्लूसिव और पाएं राजस्थान की हर छोटी बड़ी हलचल बस एक क्लिक में सीधे आपके।